नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। बेबाक सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी से बातचीत है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भरोसे का एक नाम है सीपी जोशी। इसे समझने के लिए एक तथ्य बहुत होगा। सन 2009 में सीपी जोशी पहली बार सांसद बने, हाँ पहली बार, और उनकी बतौर कैबिनेट मंत्री तुरंत शपथ हुई। यही नहीं, उन्हें ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे दो भारी मंत्रालयों का जिम्मा मिला। फिर कमलनाथ की कमान में सड़क परिवहन मंत्रालय गड़बड़ाया तो वहां सीपी जोशी शिफ्ट हुए। केंद्र के मंत्रालयों में 3 साल के अनुभव के बाद भी सीपी जोशी का ग्राफ जस का तस है। यह ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन राजस्थान में या केंद्र में, यह सवाल लाख टके का है। इस पर उनसे बेबाक सवाल पूछे उससे पहले इन कुछ प्रासंगिक बातों पर गौर करें। मंदी की मार में हाईवे प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे का बड़ा रोल, लेकिन सीपी जोशी की बनी हुई है पकड़। कोयला, पावर, उड़ियन जैसे जमीले वहां नहीं। हाईवे में बालू, कमलनाथ से अलग जोशी की छाप। पारदर्शिता, जवाबदेही में जोशी बहुत जिद्दी। बिना लाग लपेट की बेबाक कार्यशैली। दिल्ली में पहला अनुभव फिर भी फिट। न दरबारी पना पसंद और न लॉबिंग। 3 साल में 3 बड़े मंत्रालयों का अनुभव। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व हाईवे में एक सा अंदाज। खाटी, देसी और सहज राजनीति के आदि। मंत्रालय और NHAI को बहुत बदला। हाईवे की ई टेंडरिंग, नीलामी के नए रिकॉर्ड।